दोस्तों नमस्कार। अभी हम सफर में जा रहे थे किसी ऑफिसर से बातचीत करने के लिए, लेकिन एक औरत के बारे में बताया जाता है, वो घर को चलाती है, फैमिली को मैनेज और मेंटेन करती है, पढ़ लिख कर अपने इलाके अपने देश का नाम भी रोशन करती है, लेकिन एक महिला जो भगवा कलर में है और हमें दिखाई दी, हमने उनको रोका और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये औरत पैदल यात्रा पर किधर जा रही है, क्या इसका मकसद है, क्या इस देश को पैगाम और संदेश देना चाहती है। आइए बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है और आप हैं कौन, किधर जा रही हैं, क्या आपका मकसद है? मैं किला परीक्षित करते आई हूँ, नाम मेरा सरिता है, जिला मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मकसद यह है, मेरी सभी माताएं बहने भगवा भाना पहने या ना पहने, उस मालिक की राह में चले, उस भगवान को याद करें जिसने हमें धरती पे तारा है, कण कण में उसका वास करें। और मैं बागड़ यात्रा पर जा रही हूँ अपने बाबा को मनाने कि बाबा हर घट के वासी में, हर घट घट में रहकर हर मेरी माता बहनों के अंदर भक्ति भावना अपने भारत के लिए पूजा पाठ करें, अपनी भारत माँ की हमेशा शान बढ़ाएं। यानी आपका मकसद है हर औरत हर लड़की पूजा पाठ करें, अपने देश का सम्मान करें, ये आपका मकसद है? आप तो अकेली हैं, कितना लंबा सफर है और कितने दिनों में आप बागड़ यात्रा पर पहुंच जाएंगी? 600 किलोमीटर का सफर है और मैं 7 और 8 दिन के बीच में बागड़ पहुंच जाऊंगी। और मैंने 20 तारीख को हरिद्वार से किला परिछत्तगढ़ से आके जल उठाया। 600 किलोमीटर चलने का जुनून, जोश, जज्बा आपके अंदर कैसा आया है? बाबा के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि मैं धरती पे नहीं चल रही, मुझे बाबा अपने आप खींचे ले जा रहे हैं, मुझे कुछ अपने आप को महसूस नहीं हो रहा। यानी आपकी आस्था, आपकी मन्नत, आपकी भावना ये है कि बाबा जी आपको बुला रहे हैं आपकी मंजिल पर? हाँ जी, मैं बहुत इच्छे से और बहुत स्पीड से जा रही हूँ, मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा कि मैं धरती पे चल रही हूँ। आप कितने किलोमीटर रोज चलेंगी? 50-60 60 किलोमीटर पर डे आप चलेंगी। रास्ते में क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या कुछ आराम भी करती हैं? कोई देता तो खा लेती हूँ और नहीं तो घंटा दो घंटा आराम करके फिर निकल जाती हूँ। आराम किधर करती हैं, सफर में ही, रोड पर ही? रोड पर ही लेटकर आराम करती हूँ, कहीं भी कपड़ा बिछा कर अपना और आराम कर देती हूँ। भगवा कलर क्यों पहना है आप? मुझे बचपन से ही, मैं जहर बाबा की पूजा करती हूँ 9 साल की उम्र से। शादीशुदा हैं आप? जी हाँ। कितने बच्चे हैं और हस्बैंड क्या करते हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, हस्बैंड मेरे खेती करते हैं। हस्बैंड आपके किसान हैं, बच्चे आपके पढ़ते हैं, आप भक्ति में लीन हैं, आप बाबा के यहाँ जा रही हैं? हाँ जी, मेरा एक बेटा, एक बहू भी है, एक बेटा मेरा कुंवारा है। ठीक है जी, ओके, जय बाबा।